As you all know that e-commerce is the most powerful online tool to expand your business. E-commerce जो है वो बहुत ही powerful online tool है जो कि आपके business को expand कर सकता है. First advantage of e-commerce is global reach. Means अगर हम अपना e-commerce business setup करते हैं तो जो हमारे products और services हैं वो कहीं भी कोई भी उसे purchase कर सकता है irrespective of geographical location. कोई भी हमारा जो क्लाइंट हो कस्टमर हो वो इंटरनेशनली हो मतलब वो कहीं फॉरेन कंट्री में बैठा हो तो भी वो हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज को खरीद पाएगा. तो अब हमारी जो रीच हो गई है वो हो गई है इंटरनेशनली. इससे पहले क्या होता था कि जो हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज होते थे वो हमने एक फिजिकल स्टोर खरीदा तो वो सिर्फ उसी एरिया के लोग जो आसपास रह रहे हैं दे विल कम एंड दे विल बाय आवर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. बट विद द हेल्प ऑफ ई कॉमर्स हम वी कैन सेल आवर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑनलाइन एंड थ्रू आउट ग्लोब. सो सेकेंड इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स इज ऑलवेज इट इज ऑलवेज ओपन 24/7 एंड वी कैन जनरेट पोटेंशियल इनकम 24/7. लाइक जैसे अगर हमारी शॉप होती है तो वट वी नीड टू डू वी नीड टू सिट एट दैट शॉप और जब तक हमारी शॉप खुली है तभी तक हमारी इनकम जनरेट होगी तभी तक लोग प्रोडक्ट और सर्विसेज को बाय करने आएंगे. लेकिन अगर हमारे ई कॉमर्स बिजनेस है ऑनलाइन है तो वो तो इट विल बी ओपन 24/7 और अगर हम उस बिजनेस में यानी ऑनलाइन नहीं भी होंगे हम अपना कुछ भी काम कर रहे हैं तो भी हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज बिकेंगे और वो ऑनलाइन इनकम हमारी और जनरेट करेंगे. थर्ड इज कॉस्ट सेविंग. ई कॉमर्स बिजनेस जो है दैट सेव्स लॉट ऑफ अमाउंट इट इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव. कैसे है कॉस्ट इफेक्टिव कि अगर हम अगर अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं तो व्हाट वी नीड टू डू इज हमें सबसे पहले एक स्टोर चाहिए होगा उसका कंस्ट्रक्शन देखना पड़ेगा उसमें रिसोर्सेज चाहिए होंगे उसमें प्रोडक्ट्स भरने पड़ेंगे सर्विसेज भरनी पड़ेगी उसका बिल पे करना पड़ेगा एंड मैनी थिंग्स वी नीड टू टेक केयर. बट लेकिन अगर हम ई कॉमर्स बिजनेस ऑनलाइन सेटअप करते हैं तो व्हाट वी कैन डू इज वी नीड टू सिंपली मेक वन वेबसाइट. हमें एक वेबसाइट बनानी है या फिर हम यूट्यूब पे भी प्रोडक्ट और सर्विसेज को मार्केट कर सकते हैं. सो लाइक इन दिस वे वी कैन सेल आवर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑनलाइन. सो नेक्स्ट पॉइंट इज ऑटोमेटेड इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम. इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम की जैसे गुड्स कहाँ मैन्युफैक्चर होते हैं कहाँ स्टोर होते हैं कहाँ से फिर उनका शिपमेंट होता है फिर उनका अकाउंटिंग देखना एंड लॉट ऑफ थिंग्स आर इन्वॉल्व कि उन्हें स्टोर करना है. इसके साथ साथ एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम भी होता है कि यानी फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वो कैसे गुड्स बनते हैं कहाँ स्टोर होते हैं उनकी अकाउंटिंग की सारी प्रोसेस को बोलते हैं. तो ऑटोमेटेड मीन्स नाउ इट वुड बी डन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स. ऑटोमेशन का मतलब होता है कोई भी ऐसा काम जो कंप्यूटर परफॉर्म करे ऑटोमेटिकली और मैनुअली ना करना पड़े तो इट विल सेव अवर लॉट ऑफ टाइम कॉस्ट भी रिड्यूस होगी एंड लॉट ऑफ रिपीटेटिव टास्क वुड बी रिड्यूस्ड क्योंकि ये ऑटोमेटेड यानी ऑटोमेशन के थ्रू कंप्यूटर के द्वारा किया जाएगा. नेक्स्ट इज ई कॉमर्स रिड्यूसेस पेपर वर्क. ई कॉमर्स के आने से कई ज्यादा पेपर वर्क रिड्यूस हुआ है. एज वी स्टडीड इन अवर प्रीवियस लेक्चर कि EDI होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज. जो भी बिजनेस के प्रोसेस इंटरचेंज हो रहे हैं वो भी आप डॉक्यूमेंट्स में नहीं होके वो भी किससे होंगे कंप्यूटर के थ्रू होंगे. और अदर देन दैट इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट आजकल क्या होगा पेमेंट जो हो रहा है वो ऑनलाइन हो रहा है. जितने भी मॉनेटरी यानी मनी के ट्रांजैक्शन मनी का लेन देन हो रहा है वो भी ऑनलाइन हो रहा है. तो दैट इज ऑल्सो सेविंग लॉट ऑफ पेपर वर्क है ना एंड दैट इज हेल्पिंग अवर एनवायरमेंट ऑल्सो क्योंकि पेपर्स का कैसे मतलब बनते हैं पेड़ों को काट के फिर पेपर्स बनते हैं और एंड ऑल. तो इट इज सेविंग अवर एनवायरमेंट एज इन पेपर का वर्क कम्प्लीटली काफी कुछ कम हो गया है. नेक्स्ट इज यू कैन अट्रैक्ट कस्टमर बाय मेकिंग वेबसाइट्स अट्रैक्टिव यूजिंग फोटोग्राफ्स ग्राफिक्स एंड गुड कंटेंट. यस हमने अक्सर ये चीज देखी होगी कि वी हैव डिजाइंड अ गुड वेबसाइट. हमने एक बहुत अच्छी वेबसाइट डिजाइन की एंड इट इज क्वाइट अपीलिंग एंड अट्रैक्टिव. वो बहुत अट्रैक्टिव है और अपीलिंग है कि लोग उसको देखते हैं उसके प्रोडक्ट्स को. सपोज कोई बैग है हमने उसे एकदम देखा और वो बहुत सुंदर लग रहा है तो इवन हमें बैग खरीदना नहीं होगा देन ऑल्सो वी विल मेक अवर माइंड कि हाँ यार ये बैग हमें होना चाहिए खरीदना चाहिए हमारे पास तो ये हम बैग खरीदेंगे. अदर देन दैट अगर जैसे सपोज कोई बुक है और हम लोग कुछ लो फील कर रहे हैं और उसका जो रिव्यू है वो बहुत पॉजिटिव लिखा है तो देन वी विल फील कि हमारे
हमारे पास वो बुक होनी चाहिए, वो बुक हम खरीद लेते हैं. क्यों? क्योंकि हम उसके जो कंटेंट लिखा था रिव्यू उससे इम्प्रेस हुए, या फिर उसकी इमेज अच्छी थी, उसका कवर पेज अच्छा था, कोई गैजेट हमें दिखा, उसके हमने कॉन्फ़िगरेशन देखी वो अच्छी लगी. हम ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं तो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग कि इट शुड बी क्वाइट अट्रैक्टिव, उसका कॉन्टेंट बहुत अच्छा हो, उसकी जो फोटोग्राफ्स हों प्रोडक्ट्स की वो अच्छे से ली गई हों, इट शुड बी पीपल प्लीजिंग. नेक्स्ट इज एबल टू कलेक्ट कस्टमर डेटा. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी ई कॉमर्स साइट है एंड अगर कोई क्लाइंट या कोई कस्टमर हमारी साइट को विजिट करता है तो वी वुड बी एबल टू कलेक्ट हिज डेटा, उसके जो भी इंटरेस्ट हैं, उसने जो भी ब्राउजिंग उससे पहले जो ब्राउज किए हैं वेबसाइट्स और उसके क्या क्या इंटरेस्ट हैं वो सारे हम कलेक्ट कर सकते हैं डेटा थ्रू डेटा एनालिटिक्स, डेटा को एनालाइज कर सकते हैं उसके. और सिमिलरली वी विल गेट टू नो कि वो किस चीज में इंटरेस्टेड है, तो हम वैसे टाइप के एडवर्टाइजमेंट जो है वो उसके सामने, उस कस्टमर के सामने प्रेजेंट करेंगे. आपने भी देखा होगा कि कई बार हम कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी कुछ भी खरीदते हैं तो उससे सिमिलर, फॉर एग्जांपल हमने कोई लिपस्टिक खरीदी तो उससे रिलेटेड जो रिकमेंडेड और भी वैसी टाइप की चीजें होती हैं वो हमारे सामने आने लगती है. कोई बैग खरीदा तो भी रिकमेंडेड करके वो बैग सामने आने लगते हैं. तो दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ कि हम पूरी टारगेट ऑडियंस पोटेंशियल कस्टमर को आइडेंटिफाई करके फिर उनके सामने वी विल प्रोड्यूस एडवर्टाइजमेंट इन फ्रंट ऑफ देम. सो नाउ वी विल टॉक अबाउट डिसएडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स. ई कॉमर्स के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. फॉर एग्जांपल फर्स्ट कंसर्न जो है वो सिक्योरिटी का है. ऑल्दो आजकल सिक्योरिटी पे बहुत वर्क किया जा चुका है, न्यू प्रोटोकॉल्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर टू मेक सिक्योरिटी मोर इफेक्टिव, लाइक SSL सिक्योर सॉकेट लेयर प्रोटोकॉल है, SSH प्रोटोकॉल है, डिजिटल सिग्नेचर्स का यूज किया जाता है, क्रिप्टोग्राफी, एंड देर आर लॉट मेनी थिंग्स विच आर यूज इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट पेमेंट सिस्टम. लेकिन फिर भी कई बार थोड़े बहुत कुछ लूप होल्स होते हैं आजकल. तो इवन वी आई ऑल्सो प्रेफर टू डू ट्रांजेक्शन ऑनलाइन, बट वी नीड टू बी केयरफुल. जब भी हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं मनी का तो हमें थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए. और अगर हम अपनी ई कॉमर्स साइट बनाते हैं तो हम उससे क्या कर सकते हैं, पेपाल से इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो हमें ये अकाउंट्स और ये सब का कुछ देखना नहीं पड़ेगा. दे विल टेक केयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स, बट हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा सिक्योरिटी. सेकेंड इज पर्सनल इंफॉर्मेशन. आजकल वी आर लिविंग इन एज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कोई भी हमारी इंफॉर्मेशन है दैट इज नॉट एट ऑल सेफ एंड सिक्योर. अगर हम इंफॉर्मेशन, अगर हम इफ वी आर एक्टिव ऑन इंटरनेट दैट मींस कि अदर पर्सन वुड बी एबल टू एक्सेस कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट अस, लाइक हमारे इंटरेस्ट क्या है एंड व्हाट ऑल थिंग्स. कभी कभी तो पेमेंट की भी इसलिए थोड़ा सिक्योर रखना चाहिए, कार्ड इंफॉर्मेशन, ATM कार्ड, ये सब किसी को वी डोंट नीड टू टेल इट टू एनीवन. तो वो पर्सनल इंफॉर्मेशन जो होती है दैट इज ओपन टू ऑल, वो सबको पता चल जाती है, तो वो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए. सेकेंड इज वायरसेस एंड हैकर्स. कई बार कई सारे वायरसेस अटैच हो जाते हैं, हैकर्स पीपल दोज हु डोंट हैव गुड इंटेंशन दे ट्राई टू हैक अवर मनी. और कई बार ऐसी फॉल्स फिशिंग साइट भी वो लोग बनाते हैं जो हमें लगता है कि एक्चुअल साइट्स हैं जिसमें हम अपना डेटा एंटर करते चले जाते हैं, बट आफ्टरवर्ड्स वी गेट टू नो कि ये तो फॉल्स है. तो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दीज ऑल फिशिंग वेबसाइट्स. Second is software development industry is still evolving and changes rapidly. As we all know ki technology is evolving at a very rapid rate. Technology jo hai wo bilkul change hoti ja rahi hai. Jaise pehle C++ were on trend and Java was on trend, but nowadays people are talking about Python, machine learning, AI, internet of things, they are on trend. तो वी नीड टू कीप ट्रैक की कौन सी नई टेक्नोलॉजीज चल रही हैं और वो हम इंटीग्रेट कर सके अपने ई कॉमर्स साइट पे. ऑल्सो गाइज आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि वी नीड टू बी अवेयर अबाउट कि आजकल कौन सी टेक्नोलॉजीज चल रही हैं, क्या क्या उनका यूज है एंड हाउ वी कैन यूज दैम इन ऑर्डर टू सेव अवर टाइम एंड मनी. सो इसके कारण क्या होता है कि हमें काफ़ी कुछ टाइम देना पड़ेगा पढ़ाई, इन सबको टेक्नोलॉजी को पढ़ते रहना पड़ेगा, उससे हमें काफ़ी टाइम इसके लिए करना पड़ता है इन्वेस्टमेंट, तो उसके लिए भी टाइम चाहिए. नेक्स्ट इज लैक ऑफ टच एंड फील ऑफ प्रोडक्ट्स. जो हमारी
सारी ई-कॉमर्स साइट्स होती है, उसमें केवल प्रोडक्ट्स की फोटोज होती हैं, सर्विसेज होती हैं, उसके बारे में कुछ रिव्यू होता है, कॉन्फ़िगरेशन और प्राइस ये सब लिखा होता है। लेकिन जब हम फिजिकल स्टोर पे जाते हैं तो व्हाट वी कैन डू इज, अगर हमें कोई फैब्रिक कपड़ा लेना है तो उसे टच करके देख सकते हैं, फील करके देख सकते हैं, हम पता कर सकते हैं कितना ड्यूरेबल है, कितना सिक्योर है। तो ये एक प्रॉब्लम है ई कॉमर्स साइट की। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो हम फोटो में प्रोडक्ट देखते हैं ई कॉमर्स साइट में, और जब हम ऑर्डर करके देखते हैं तो कुछ और ही आ जाता है और हम कुछ और ही लग रहे होते हैं, जो एक्सपेक्ट किया होता है वैसे बिल्कुल नहीं लग रहे होते हैं। तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स कि आप थोड़ा ऑथेंटिक रखें अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को, जिससे कि आप अच्छी कस्टमर सर्विस को बिल्डअप कर सकें, कम्युनिटी अच्छी बिल्डअप कर सकें, तभी आप कस्टमर्स का ट्रस्ट गेन करेंगे। So today we discussed about advantages and disadvantages of e-commerce. एक और disadvantage याद आया कि now with the help of Jio we are capable of using internet all time, क्योंकि it has made it very cost effective. But there are many countries, ऐसी कई countries हैं जहाँ पे अभी भी बहुत महंगा है net surfing and all, तो वो भी एक अलग issue आ जाता है. And there would be some other issues also. But अगर हम उसके बारे में thoroughly study करेंगे, उनको पता करेंगे, तो वी वुड बी एबल टू डू थिंग्स। सो ये थी ई कॉमर्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। और ई कॉमर्स आप अगर सेटअप करना चाहते हैं तो शॉपिफाई, मैजेंटो, ये सारी अच्छी साइट्स हैं, उन पे जाके आप वहाँ से ई कॉमर्स सर्विसेज को ले सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अपने आप बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए ज़रूर सोचेंगे थ्रू ई कॉमर्स वेबसाइट्स। और अगर आपका बिजनेस होगा तो आप मार्केटिंग और अच्छे से कर सकते हैं by using these tips and tricks. So stay tuned to my channel. Thank you and have a very great day.